तो हेलो भाई, मैं मोहित सुनियाद आपके लिए एक नया वीडियो लेकर जिसके अंदर अपन आज बात करेंगे कि भाई ओला S1 जो अपने प्रो है और ओला S1 एयर है, दोनों के अपने रेस करके देखते हैं कि भाई दोनों के अंदर पिकअप किसके अंदर ज़्यादा मिल जाता है, एक्सेलरेशन किसके अंदर ज़्यादा मिल जाता है एंड दोनों के अंदर अपने को प्राइस का भी काफ़ी डिफरेंस होता है। भाई ये 1,50,000 X-Room पड़ती है एंड 1,20,000 X-Room पड़ती है, दोनों की रेंज भी ऑलमोस्ट लगभग सेम सी मिल जाती है एंड सब कुछ अपने ऑलमोस्ट सेम चीज़ें मिल जाती है, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलता है। तो भाई अपने एक बार ये भी टेस्ट कर लेते हैं भाई, जो इसकी स्पीड है वो टोटल मैक्सिमम 110 तक से अब चल जाती है एंड ये अपने इसकी मैक्सिमम स्पीड है जो 90 तक चल जाती है। तो अपने देख लेते हैं दोनों के अंदर कंपेरिजन करके भाई दोनों की जो एक्सेलेरेशन है दोनों का सबसे ज़्यादा किसका मिलता है। तो वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपको दिखा देता हूँ मैं भाई दोनों को स्कूटी को खड़ी करते हैं साइड में एंड 1, 2, 3 करूँगा, उसके बाद ही अपने स्कूटी को ले जाना स्टार्ट करेंगे एंड सामने देख लेते हैं कि भाई पहले कौन सी आगे पहुँचती है। तो ठीक है भाइयों, पहले जो अपने रेंज टेस्ट रहेगी वो अपने इको मोड में करते हैं एंड नेक्स्ट वाले जो अपन करेंगे स्पोर्ट मोड में करेंगे। तो भाई दोनों स्कूटी अपने घुमा के खड़ी करते हैं एंड घुमा के खड़ी करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ भाई कैसे अपने दोनों का रहता है। तो भाई दोनों स्कूटी अपने बराबर बीच खड़ी हो रखी है, ये अपने S1 एयर है एंड ये अपने S1 प्रो है, Gen 2 है। तो दोनों को अपने अब खड़ी करते हैं, स्टार्ट करते हैं, मैं 1, 2, 3 बोलूँगा एंड ये स्टार्ट करके दोनों स्कूटी अपने इको मोड के अंदर रहने वाली है। इको मोड कर लिया, ठीक है, 1, 2, 3 चला। भाई इसने थोड़ी S1 इसने धीरे उठाई थी प्रो ने एंड एयर वाला थोड़ा भाई जल्दी उठा लिया था। तो भाई आप देख सकते हो दोनों जा रही स्कूटियाँ, तो भाई वो पहला जो वीडियो था उसके अंदर अपने S1 एयर थी वो आगे चली गई थी, S1 प्रो थोड़ी पीछे रह गई। तो अपन वापस एक दोबारा स्टार्ट करते हैं, इसके 2 या 3 अपन कर लेंगे, उसमें अपने पूरा टोटल ढंग से पता लग जाएगा भाई कौन सी आगे कुछ रह रही है, कौन सी पीछे रह रही है। अब दोनों का अपन टेस्ट करेंगे, स्पोर्ट मोड में कर लेते हैं, दोनों देख लेते हैं भाई आगे कौन सी जाती है। तो भाई दोनों स्कूटी अपने खराब बीच में खड़ी कर ली है, दोनों बराबर स्कूटी खड़ी है, दोनों को इको मोड में टेस्ट करेंगे, स्पोर्ट मोड में नहीं कर रही एक बार अपने टेस्ट, क्योंकि भाई जो पहले जो इन्होंने भाई ने मैं बता रहा था कि भाई ये पीछे रह गए थे, पीछे नहीं रहे थे भाई, इन्होंने भी पूरी एक्सेलरेट किया था, लेकिन ओला S1 एयर है इसका पिकअप थोड़ा ज़्यादा मिलता है क्योंकि इसकी जो रियर वाली जो मोटर है अपने को टायर के अंदर मिल जाती है, हब मोटर मिलती है एंड इसके अंदर अपने को जो मोटर है मीडी के अंदर मिल जाती है, इसकी वजह से अपने ये स्कूटी थोड़ी पीछे रह गई थी बेल्ट रे वाली एंड ये स्कूटी थोड़ी हब मोटर वाली ज़्यादा आगे चली गई थी। तो वापस अपने स्टार्ट करते हैं एंड आपको दिखाता हूँ मैं कि भाई कौन सी ज़्यादा आगे जाती है। तो भाई स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3। तो भाई दोबारा स्टार्ट कर लिया और दोबारा से अगर अपन देखें तो भाई S1 जो अपने एयर रहने वाली है वो आगे जा रही है एंड S1 प्रो काफ़ी पीछे रह जाती है। तो भाई एक्सेलरेशन की अगर बात करते हैं अपने तो ओला S1 इसकी एयर है जो विनर रहती है एंड S1 प्रो इसको हार जाती है। तो भाई दोबारा आ रहे हैं अपने, फिर भी अपने ओला S1 एयर आ गया क्योंकि भाई ओला S1 एयर का अब मोटर की वजह से पिकअप ज़्यादा है और उसका अपने को पिकअप बहुत कम मिल जाता है देखने को। और अब दोनों का जो अपन टेस्ट करेंगे वो स्पोर्ट मोड के अंदर करेंगे। तो भाई दोनों स्कूटी बराबर कर ली अपने और बराबर खड़ी करके अब अपने स्पोर्ट मोड के अंदर टेस्ट करेंगे दोनों भाई स्कूटी स्पोर्ट मोड के अंदर कौन सी आगे जाती है। तो स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3। तो भाई अब मेरे को लग रहा है कि ओला S1 जो अपने प्रो है वो थोड़ी आगे जाएगी, S1 एयर हार जाएगी आगे जाके, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर जो इनिशियल जो पिकअप था वो भाई S1 एयर का काफ़ी अच्छा था, लेकिन आगे जाके थोड़ी सी S1 प्रो आगे निकल गई। तो भाइयों अभी भी दोनों स्पोर्ट मोड के अंदर, स्पोर्ट मोड के अंदर अपनी ओला S1 प्रो विनर रहती है एंड ब्रेकिंग के मामले में भी ओला S1 प्रो थोड़ी एक्स्ट्रा रह जाती है आगे क्योंकि इसके अंदर अपने को ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं एंड उसके अंदर अपने को दोनों डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। अब दोनों को वापस स्टार्ट करते हैं एंड मैं आगे भी कैमरा लगा रहा वहाँ से भी स्टार्ट कराता हूँ, पिछली बार अपने स्टार्ट बनी था, अगेन जो अपन वापस स्टार्ट करेंगे वो स्पोर्ट मोड के अंदर ही करेंगे एंड 1, 2, 3 करके स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों दोनों को स्पोर्ट मोड के अंदर स्टार्ट करते हैं एंड अब चला के देखते हैं भाई दोनों आगे कौन सी जाती है और फ्रंट वाला कैमरा भी ऑन रहेगा, पीछे वाले से पता नहीं लगता, अब फ्रंट वाले से पूरा ढंग से पता लग जाएगी भाई कौन सी आगे गई थी। तो भाई स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3। भाई नीचे लेकर पिकअप की बात करें तो भाई
ओला एस वन एयर बहुत तगड़ी आगे जाती है। एंड आगे की बात करते हैं तो आप देखते हैं भाई आगे फ्रंट वाले कैमरे से आपको पता लग जाएगा भाई कि कौन सी आगे जाती है। तो भाई दोनों स्कूटियाँ अब आ रही है वापस, और वापस इन दोनों का अब स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट जो मोड है उसके अंदर अपने टेस्ट करते हैं कि भाई दोनों में से कौन सी आगे जाती है। भाई ओला एस वन प्रो है काफ़ी आगे रह रही है उससे। तो भाइयों अब दोनों का अपने टेस्ट करते हैं। इसके अंदर अपने को ओला एस वन एयर है, इसके अंदर अपने को स्पोर्ट मोड मिलता है एंड इसके अंदर अपने को हाइपर मोड मिल जाता है। तो हाइपर मोड भी ट्राई कर लेते हैं एक बार कि हाइपर मोड के अंदर कौन सी आगे जाती है और स्पोर्ट मोड में कितना फ़र्क रहता है, क्या पता इनिशियली आगे निकल जाए। तो भाई स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो। तो 1 2 3 भाइयों इस बार अपने एकदम खतरनाक बूस्ट होके गई है पूरी ओला एस वन प्रो जेन 2, और भाई खतरनाक पीछे रह गई इस बार अपनी स्कूटी। लेकिन नॉर्मल कौन ही दिस हाइपर ही चला स्पोर्ट पे चला। तो भाई दोनों स्कूटी आ गई हैं और प्रो अपने काफ़ी आगे हैं एंड ये काफ़ी पीछे रह गई थी भाई। इसका इनिशियल जो पिकअप था वो काफ़ी ज़्यादा था। और ये था अपना आज का वीडियो भाई। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना एंड चैनल सब्सक्राइब करना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए इंटरेस्टिंग आपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट जो अपने ड्रैग रेस कराएं वो कौन सी कराएं स्कूटी की। और मैं सोच रहा हूं एक दिन अपने ओकिनावा के भी रेस कराएंगे, लेकिन ओकिनावा मेरे को पता है इनिशियली हारेगी दोनों से, और वो भी अपन देख लेंगे भाई हारती है जीतती है। तो नेक्स्ट अपने जब भी डालते हैं वीडियो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट आप वीडियो देखें जो भी मैं डालूँ वो आपको मिल जाए। थैंक यू भाई वीडियो देखने के लिए।